हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मैंगटैक। मैं अतुल चौधरी आप सब लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आ गया हूं मैं एक नया वीडियो लेके, एक नई कैटेगरी स्टार्ट करने, जहां पर हम जीमेल आईडी के बारे में सब कुछ जानेंगे। कैसे जीमेल आईडी बनाते हैं, जीमेल के अंदर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या एडवांस फीचर हैं, क्या फीचर है जो आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट होता है, सारी चीज़ें हम जीमेल आईडी के इस ट्यूटोरियल में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छोड़ दिया। हम फर्स्ट। स्टार्ट। हम फर्स्ट। गाड़ी चला, गाड़ी चला। सबसे पहले आपको गूगल खोलना है और वहां पर लिखना है क्रिएट जीमेल अकाउंट। जब वहां पर आप क्रिएट जीमेल अकाउंट लिखेंगे तो गूगल पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, पर आप नॉर्मली जाइए साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। या तो आप साइन इन के ऑप्शन पे जाके क्लिक करिए तो आप यहाँ पर आ जाएंगे अकाउंट क्रिएट करने के ऑप्शन पे, चाहे तो आप यहाँ पर सीधा साइन इन दिखेगा आपको, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। दोनों ही पेजेस में आप सेम जगह पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप की एक नई आईडी बनाने के लिए आपको क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर तीन ऑप्शन आ जाएंगे। आज के लिए हम समझेंगे पर्सनल वाला, जिसमें कि आप फॉर पर्सनल यूज अकाउंट बना रहे हैं, फॉर चिल्ड्रन और फॉर बिजनेस वर्क के लिए नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं अपना पर्सनल वाले पे। तो हमने यहाँ पर पर्सनल यूज के लिए क्लिक कर दिया। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर ऑप्शन दे देगा कि आप अपना नाम डाल दीजिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे तो रहने दीजिए। अब मैंने यहाँ पे दोनों नाम डाल दिए। अब मैं इस नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे ऑप्शन देगा डेट ऑफ बर्थ डालने का और जेंडर डालने का। उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो अब ये आपको ऑप्शन देगा अपनी पसंद की जीमेल आईडी बनाने का। यहाँ पर यू कैन यूज लेटर्स, नंबर एंड पीरियड, तीन ऑप्शन लिखे हैं। ये तीनों को मिलाकर आप एक जीमेल आईडी बना सकते हैं, अपनी पसंद की जीमेल आईडी बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो मेल आईडी अवेलेबल है या नहीं, तो उसके लिए आपको मल्टीपल ट्राई करने पड़ सकते हैं। हो सकता है जैसे मेरा नाम है अतुल चौधरी तो मैं इस नाम से मेल आईडी बनाना चाहता हूं। जैसे ही मैंने इस नाम को लिख के क्लिक किया तो ये मुझे बता देगा अब इसने जीमेल आईडी इस नाम से किसी और ने बना रखी है। उसने मुझे नीचे ऑप्शन दे दिया अवेलेबल कि ये अवेलेबल है आप इस नाम से बनाना चाहते हैं तो, लेकिन मैं नहीं, मुझे अतुल चौधरी उसके अंदर चाहिए लेकिन मैं कुछ और ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने अब क्या किया, उसके अलावा मैं 123 ऐड करके देख लेता हूँ, या मेरा कोई पसंदीदा नंबर है जो मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ, ये भी अवेलेबल नहीं है। जैसे ही मेरी आईडी को अप्रूव करेगा मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा और मुझे पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ जाएगा। शो पासवर्ड के ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करके रखेंगे तो आप जो भी पासवर्ड यहाँ लिखेंगे वो आपको शो करेगा। पासवर्ड बनाना है जब भी आपको तो वहां पर आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। बनाने के लिए नंबर्स में भी बना सकते हैं लेकिन हमेशा अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाइए ताकि एक सेफ्टी फीचर रहे। जैसे कि मेरा नाम है यहाँ पर अतुल चौधरी, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं अपना नाम लिख लेता हूँ वहाँ पर, @#, वगैरह कुछ भी लगा सकता हूँ। उसके अलावा मेरा कोई नंबर है कुछ आगे मैं लगाना चाहता हूँ वो भी लगा सकता हूँ। पासवर्ड आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक पासवर्ड बना लेता हूँ कि मैंने यहाँ पर पासवर्ड लिख दिया, उसके बाद मैंने #, दबा के 9988 मैंने अपना एक पर्सनल कोई नंबर लिख दिया। इस तरह का पासवर्ड आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में कहते हैं, उसको आप बना सकते हैं। अभी के लिए मैं अपना एक पासवर्ड इसका क्रिएट कर लेता हूँ। हमेशा अपने पासवर्ड का पहला वर्ड कैपिटल रखिए, उसके बाद स्मॉल वर्ड, उसके बाद आप #@ या _ या -hyphen जो भी लगाना चाहें वो लगाइए, और उसके बाद उसके आगे आप नंबर्स लगा सकते हैं। हमेशा पासवर्ड इसी तरह से बेस्ट वे में बनाया जाता है। उसके बाद आप यहां पर दोनों पासवर्ड सेम होने चाहिए, पासवर्ड में भी और कन्फर्म में भी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आपको एरर आ जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये आपसे नंबर मांगेगा। यहाँ पर क्लियर है कि नंबर आप जरूर डालेंगे, बिना नंबर के मेल आईडी नहीं बनती। बनती है, मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि बिना नंबर के आप इस तरह बना सकते हैं। अभी के लिए यहाँ पर आप नंबर डालेंगे ताकि ये मेल आईडी वेरीफाई हो, तो भी यहाँ पर मैं नंबर ऐड कर देता हूँ। जैसे ही आप नंबर ऐड करेंगे तो आपके नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। OTP ऐड करने के बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। 15 सेकंड का टाइम रहता है, आप OTP
को डालने के लिए। उसके बाद ये आपसे ऐड रिकवरी मेल आईडी, अगर आपने कोई कभी पहले मेल आईडी बना रखी है वो मेल आईडी आप रिकवरी के तौर पे यहाँ डालना चाहते हैं, ताकि कभी आप इस मेल आईडी का पासवर्ड भूल जाएं या कुछ इश्यू हो जाए, आपकी आईडी करप्ट हो जाए, तो आप यहाँ से रिकवरी कर सकते हैं अपनी अदर मेल आईडी के थ्रू। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इस ऑप्शन को स्किप भी कर सकते हैं। ये आपका रिकवरी नंबर है और यहाँ पर एक आपको नीचे ऊपर आईडी लिखी हुई है। उसके बाद मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन कुछ आपको दिखा देगा, आप सबको एग्री करके आगे चले जाइए और अब आपकी जीमेल आईडी बन चुकी है। अब आप यहाँ पर जाके देखेंगे तो आपका इस नाम से एक अकाउंट बन चुका है। आप मैनेज गूगल अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपका अकाउंट बन चुका है अतुल चौधरी के नाम से, वेलकम अतुल चौधरी। अब इसकी जीमेल आईडी पे आपको जाना है तो आप यहाँ से बैक आइए और यहाँ पर आपके सामने ये टैब आ गए गूगल एप्स के, इन पे क्लिक करेंगे तो अभी गूगल के पूरा आपकी एक आईडी क्रिएट होगी जिसमें आपको जीमेल पे जाना है। बाकी सारे टैब्स भी यूज होते हैं, क्या करते हैं आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे। अभी के लिए मैंने जीमेल पे क्लिक कर दिया, मेरे को जीमेल आईडी देखनी है, मैंने जीमेल आईडी बनाई है तो ये मेरी जीमेल आईडी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। फर्स्ट टाइम जब अभी आप जीमेल आईडी बनाएंगे तो वो जीमेल आईडी ब्लैंक रहेगी, उसमें पर्टिकुलर की मेल रहेगी, जीमेल की वेलकम मेल आपके पास आएंगी बस, तो कुछ इस तरह से वो शो करेगी यहाँ पर आपको। यहाँ पर ये कुछ गेट स्टार्ट विद जीमेल वगैरह के ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, आप यहाँ से हटा सकते हैं इन सारी चीज़ों को। और यहाँ पर ये आपकी वेलकम मेल अकाउंट होगी जीमेल की, जो आपको यहाँ पर मिलने वाली है जैसे ही आप मेल आईडी अपनी ओपन करेंगे। अब ये मेल आईडी आपकी यहाँ पर आपकी इनबॉक्स ओपन चुकी है, मेल यहाँ पर आने वाली है। आप कोई भी किसी को भी अपनी मेल आईडी देंगे तो आपको बस आप सामने वाले पर्सन को अपनी ये मेल आईडी बतानी है जो यहाँ पर ये आ रही है। आप किसी को हमेशा उसका डोमेन जो सबसे लास्ट में @gmail.com लिखा है, इसको डोमेन बोला जाता है, तो ये डोमेन हमेशा @gmail.com ही रहेगा, उसके आगे की आईडी आप नहीं क्रिएट करेंगे, और डिपेंड करता है आपने क्या क्रिएट करी है। तो इस तरह से एक जीमेल आईडी क्रिएट करी जाती है। अब इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम आगे आने वाले वीडियो में वो सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या बेस्ट वे में इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या इसका बेनिफिट होता है, तो आगे आने वाले वीडियो में हम ये सारी चीज़ें समझेंगे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो भी जीमेल आईडी बनाना सीख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।